फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी। और मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि दिवाली पूजन के लिए क्या क्या सामग्री है और क्या हमने कैसे कैसे दिवाली की पूजा करी, इस वीडियो में ये है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है मैंने ग्रीन पिकॉक से कलर में कुर्ती पहनी हुई है, उसके ऊपर श्रग जैकेट स्टाइल है और नीचे प्लाजो पहना हुआ है। और मैं अब जो है मंदिर सजा रही थी, तो मैंने मंदिर जो है इस तरीके से सजाया है। और उसके बाद जो है सामान भी आपको सारे एक एक करके बता देती हूँ। और इस तरीके से मैंने जो है पूजा करी दिवाली पर। तो यहाँ पे मैंने जो है एक अच्छी सी बेडशीट बिछा के और उसके ऊपर मैंने स्टूल रख के, की होती है वो चौकी रखी है मैंने पूजा के लिए, चौकी आती है चौड़ी, बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, वो बिछा के वो रख के उसके ऊपर मैंने जो है एक अच्छे से कपड़े से जो है सजा दिया मंदिर के लिए। मैंने एक अलग से जो है एक सुंदर सा रेड कलर में कपड़ा लिया हुआ है। और इसके लिए जो है मैंने पोस्टर चिपका दिया दीवार पे और सजा दिया। और साथ ही साथ सामान के लिए मैंने पूजा की लिए मैंने चावल लिए है, रोली ली है, मोली ली है और सुपारी ली है। और साथ ही साथ ये गणेश जी को भोग लगाने के लिए पान में रखेंगे हम, ये पान मुखास का पैकेट आता है। कपूर है, रोली है, मोली है और 5 तरह की मिठाइयाँ। ये जोत रखने के लिए होता है, ये पूरी रात हमारी जोत जलती रहेगी, उसके अंदर ही बुझेगी नहीं। और ये फल लिए हैं, अनार तो लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे और सेब गणेश जी को चढ़ाएंगे। और पूजा के लिए कच्चा दूध और साथ में जलेबी ली है, 5 मिठाइयाँ ली हैं, जलेबी, रसगुल्ला, बर्फ़ी और गुलाब जामुन और बेसन का लड्डू, 5 तरह की मिठाई लेनी है। और यहाँ पे कच्चा दूध लिया है और साथ ही साथ पानी का लोटा लिया है अलग से और उसमें पान के 2 पत्ते हैं। और साथ साथ जोत लिए हमने, दिए लिए हैं। तो ये पूजा की ये सब सामग्रियां हैं जो कि दिवाली के पूजन के लिए चाहिए होती हैं। और इसमें हो सकता है कि कुछ कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो अगली बार से जब भी मैं जो है पूजा करूँगी तो उसमें वो चीज़ ऐड कर लूँगी। और ये बड़ा दिया है, तो जितना मुझे नॉलेज था उतना मैंने पूजा के लिए इस तरह से जो है सामान कलेक्ट कर लिया है। और ये वीडियो शायद थोड़ा हो सकता है लेट जाए। और साथ ही साथ जो है इसमें मैंने जो है पुष्प लिए हैं, यानी कि फूल, गेंदे के मालाएं ली हैं और कमल का फूल जो है आजकल बहुत मिलना मुश्किल हो गया है और जो मिलता है वो बहुत बेकार से मिलता है, इसलिए मैंने कमल का फूल नहीं लिया। साथ में गुलाब लिए मैंने और कुछ फूलों की मालाएं ली हैं, इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर लिया। और साथ साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ ली हैं और हर साल नई लेनी होती हैं, तो इस तरीके से है। और साथ साथ मैंने पोस्टर और जो है लड़ियाँ आती हैं लाइट्स की, उनसे डेकोरेट कर लिया। इस तरीके से है पूजन का सामान। और इस तरीके से जो है और कील और खिलौने होते हैं, फुलियाँ होती हैं, ये भी साथ में चाहिए होती है पूजा के लिए और भगवान को फूल अर्पित करने के लिए वो भी हैं, तो ये सब चाहिए होती है सामग्रियाँ। साथ पूजन के लिए हमने जो है धनतेरस वाले दिन कुछ ना कुछ लेना होता है, तो मैंने यहाँ पे स्टील का ग्लास मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी शेयर करा है, वो भी आप ज़रूर देखा अगर नहीं देखा तो, कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया था गिफ्ट्स वगैरह उसमें मैंने शेयर किया हुआ है कि मैंने ग्लासेस लिए थे। तो एक ग्लास लिए हैं स्टील के। और साथ साथ जो है मैंने दिवाली के लिए धनतेरस में मैंने पायल भी ली है, सिल्वर की पायल, तो इस तरह की चांदी की सिल्वर की पायल हैं जो कि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर करा है माय कलेक्शन पायल, उसमें आप ज़रूर देखें, मैं कई तरह की मैंने पायल कलेक्शन भी दिखाया है, तो वो भी आप ज़रूर देखें, वो भी जल्दी आने वाला है वीडियो पे चैनल पर, वो भी आप ज़रूर देखें। और यहाँ पर जो है पायल इस तरह की है, ये भी हम पूजा के लिए हम जो है कुछ ना कुछ हमें रखना होता है, स्टील का बर्तन, कटोरी या जो भी स्टील का कुछ खरीद के आए या सोने या चांदी का खरीद के आए वो रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे चांदी और स्टील का ग्लास खरीदे थे, वो मैंने पूजा के लिए साथ में रखे हैं। तो बस इस तरीके से हम पूजा संपन्न कर लेंगे और यही सब सामग्रियाँ लगती हैं। और अगर आपको कोई कमी लगे तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो अच्छा लगे, मैंने इस तरीके से दिवाली मनाई। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इस तरह से आप लोगों की अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।